सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में 21वीं सदी में भी अंधविश्वास कुछ इस कदर से हावी है कि यह लोगों के दिलो दिमाग तक में बैठ गया है। ऐसा ही एक मामला है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का, जहां एक महिला रसोईया को प्राथमिक स्कूल की प्रबंध समिति ने डायन बताकर नौकरी से निकाल दिया। आप पर आरोप लगाया गया है कि आप डायन है, स्कूल से निकाल दिया गया है, क्या मामला है सब? रामनाथ कर लड़का मरल रहे तो रामेनाथ कह कि तोर में माटी के तेल छिड़क के आगे लगाए दो, पनच के सामने कह रहा था, पनच उठ के भाग गई कि हमारा लड़का दो नहीं, हमको पैसा दो। ऐसे कितना पैसा? 5,000। तो फिर क्या हुआ, पूरा बात बताइए। तो 5,000 मांगा तो गांव वाला कहे कि जब तक तो वही तोर नियत है तो हमारे ना फरियाब, गांव वाला सब उठ के भाग गई, गांव वाला उठ के भाग गई तो हाँ पंचायती नहीं हुई। तो वही सब स्कूलों में लड़का भी खाबे नहीं करा। अच्छा, कौन छोड़ दिन खाए खाती, कौन मना किया कि बनाए तो मत खाया करो? घर वाला सियान मना कर, जगह जगह लड़का में पढ़े तो मना कर रही कि खाए में मत खाबा, इसके निकाल देब। कौन कौन निकाला? समिति सब जमा होके तहा, पार्टी लोग सब जमा होके तहा निकाल दी हमके स्कूल से। स्कूल से न में प्रधान नहीं खेल, न में मास्टर नहीं खेल, मास्टरों कहे कि हम लोग का करें, जब गाँव वाला आपको रखना नहीं चाहते हैं तो हम लोग का करें। इसे मास्टर भी बोला तो हम कल से नहीं गए खाना बना के लिए, बूथ के हमको निकाल दिए हैं। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से वार्ता क्रम में रसोईया का प्रकरण है, उस संबंध में उनसे आख्या मांगी गई है, आख्या प्राप्त है, जो भी उचित कार्रवाई होगा की जाएगी। सर क्या मामला सामने आ रहा है? वो रसोईया को डायन आदि शब्द का प्रयोग करके कि डायन है, इसलिए उसको गाँव पंचायत वाले निकाल दिए, बच्चे मेरे वहाँ खाना इसके लिए बनाएंगे तो नहीं खाएंगे, इस संबंध में विस्तृत आख्या ए बी एस एस मांगा गया है, प्राप्त होते ही जो भी उचित कार्रवाई होती है।